हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज मैं ऐसी जगह आया हूँ जो आप देख ही रहे हो। एक बार थोड़ा सा भाई सब दिखाना, बढ़िया अपने देसी माहौल बिल्कुल। और आज कई जितने भी बहुत सारे लोग हैं ना, वो बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वैसे थंबनेल वगैरह तो आपने देख लिया होगा। आज मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे एक इंडियन ब्रीड कवर करने आया हूँ। मैं इंडियन ब्रीड बार बार मेंशन कर रहा हूँ, इंडियन डॉग ब्रीड इसलिए कर रहा हूँ भाई क्योंकि आपको प्रमोट करना चाहिए। और आज मैं उस डॉग ब्रीड से मतलब पर्सनली मिला तो भाई मैं फैन हो गया वापस। क्योंकि जैसे मैं रोटवाइलर का फैन हुआ था, आपने देखा था कि मैं सिर्फ इंटरव्यू लेने गया था मैं किसी का, सुमित का, और मैंने देखा और मेरे को पसंद आ गया तो मैं ले आया। तो अब आप लोग इससे यूं मत समझना कि मैं लेके आऊंगा, पर मेरे को बहुत पसंद आया। आज मैं आया हूँ भाई, आपको दिखाऊंगा बुल्ली कुत्ता। एक और बार बताऊं, बुल्ली कुत्ता मतलब बुल्ली और कुत्ते को आप हिंदी में डॉग को कुत्ता कह देते हैं। तो ऐसे ही इसका नाम रख ही दिया है बुल्ली कुत्ता। फाउंडर्स जो होते हैं वो इसको बुल्ली कुत्ता ही बोलते हैं और पीछे लगा देते हैं डॉग, तो थोड़ा ये समझना। तो आज मैं आपको, इंडियन मैस्टिफ भी बोलते हैं इसे, बुल्ली कुत्ता भी बोलते हैं। तो आज ये मैं इससे दिखाता हूँ कि कितने प्यारे होते हैं, कितने मैसिव होते हैं और कितने रॉयल होते हैं। चलो भाई आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कैरी से। ये इंडियन मैस्टिफ की फीमेल है, हाइट देख सकते हो आप इसकी। साल की फीमेल है ये, 3 साल हो गए की उम्र होगी इसकी। और बहुत प्यारी है भाई, बहुत ज्यादा। इनके साथ ही वही सीन है भाई जो रोटवाइलर के साथ है कि ये बहुत ज्यादा बदनाम करे हुए हैं कि भाई ये इतने एग्रेसिव है, ये मार देंगे, जान से मार देते हैं। और कई केसेस हमने सुने भी है। तो वो आज वापिस एक बार मैं पहले बोल देता हूँ, ये चीज भाई ओनर के ऊपर होता है, वो कैसे बनाते हैं अपने डॉग को। आप देख सकते हो ये, मतलब मैं पहली बार मिला हूँ इसे और ये मेरे साथ खड़ी है। कुछ कर लो, इससे ज्यादा तो और कुछ कर नहीं सकते। इतने मेरा मुंह से बड़ा ही मुंह है, देख लो। और सबसे बड़ी बात, बैठ जा, बैठो बैठ। इसके बच्चे हो गए हैं, बच्चे हुए हैं 30 दिन हो गए और फिर भी हमारे साथ इतनी जेंटल है। और ये इसको छोड़ दिया मैंने, देख लो। और अभी इसका कंपेयर करूंगा, यहाँ पे गाय का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, देखना इसका साइज। और इसके साइज में अभी दिखाता हूँ आपको, और रॉयल शॉक है सही में। साइज देखो, इतनी बड़ी बड़ी ब्रीड पसंद है भाई मेरे को। जेनुअली मेरी खुद की पर्सनल पसंद यही है कि मतलब बड़ी बड़ी ब्रीड जो अच्छी लगे भी बंदे ने, कि मैं कुछ रख भी रखा है। तो और ये सुमित घूम रहा है, यही ले गया है मेरे को यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, ये फीमेल 3 साल की हो चुकी है, कैरी नाम है इस फीमेल का। इसने अभी बच्चे दे रखे है हाथी से, हाथी इससे भी ऊंचा कुत्ता है। इस फीमेल की 32 के अराउंड हाइट है। 32 कितने इंचेस? 32 इंचेस के अराउंड हाइट। और हाइट एक और बात भाई, कहाँ से ये चीज नापी जाती है, क्या हेड मानना नापा जाता है? हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक नापा जाता है। अच्छा, वो हेड नहीं होता, घोड़े वाला सीन है बिल्कुल। क्योंकि हाइट नस तो ये कितने भी ऊपर कर सकते हैं अपनी। अच्छा, मेन पॉइंट ऑफ व्यू तो एथलीट्स पे। पपीज दिखाता हूँ, इसके पपीज दिखाते हैं भाई, बहुत प्यारे। ये देख लो भाई, एग्रेशन देख लो आप। पहली बार मिला हूँ, पहली बार ही बच्चे इसे पकड़े हैं। और ये देखो, और एक बात है यार, क्वालिटी एक नंबर। एक मिनट ना, ये वैसे मिट्टी में थे तो ये थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई है, और मिट्टी में ही ज्यादा सही रहते हैं भाई, इनके पैर पूर सही रहते हैं। बड़ी ब्रीड है ना, पर आप एक बार इनके ना वो दिखाओ यार, रिंकल्स देखो। ये देखो रिंकल, देखो ब्रीड के बोन्स रिंकल्स देखो यार, मैं तो फैन हो गया भाई इसी का। ये देखियो, और भाई ब्लू आईज इसकी भी है। सिर्फ ये हस्की हस्की फेमस हो रहा है ब्लू आईज के, क्या मतलब है भाई। ब्लू आईज इनके भी है, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार, हद से ज्यादा प्यारे हैं ये तो। मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा। यू ना सोचियो मैं ले जाऊंगा। थोर वाला काम ना हो जाए बेटे। बहुत सुंदर है भाई, बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं भाई। आप सब लोग कह रहे थे आप फॉरेन की ब्रीड को प्रमोट करते हैं, अपनी इंडियन ब्रीड को प्रमोट नहीं करते। तो मैंने सोचा कि भाई जो हमारी इंडियन ब्रीड है, जो शान है, वो दिखाते जरूर है। और आज तो भाई मैं खुद फैन हो गया इनका। इनको बहुत बदनाम कर रखा है यार कि ये पता नहीं जान से मार देते बंदे को या कुछ कर देते, पर मेरा जो एनकाउंटर हुआ पहला उसमें तो बहुत प्यारे हैं। देख लो भाई, ये इसकी बेटी है, ये मदर है और ये डॉटर है।
और ये इतनी ज्यादा एक्टिव इसलिए हो रही है क्योंकि कई दिनों बाद इसने अपनी माँ को देखा है। ये दूसरे घर में रहती है आगे गांव में, इस गांव में है ना, तो थोड़े घर छोड़ के आगे रहती है बेटे। और देख सकते हो आप इनके साइज में क्या डिफरेंस है। और तो क्या कहूँ मैं यार, मैं तो फैन हो गया भाई इनका। और एक और बात, जिस बंदे ने ना मतलब ये ग्रूमिंग की ज्यादा वो नहीं चाहिए है ना, कि मतलब ग्रूमिंग नहीं करनी या फिर डिजीज ज्यादा ना हो जिस डॉग में, तो ये बेस्ट है क्योंकि ये यहाँ की ब्रीड है, अपने नॉर्थ इंडिया की आप कह सकते हैं, हरियाणा पंजाब की, तो उस चीज के लिए बेस्ट है। मैं इसको पास ला के दिखाता हूँ, देखो इसका कोट बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल छोटा सा कोट है, कोई ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत भी नहीं है इन्हें। आप देख सकते हो कितनी प्यारी है ये, ग्रूमिंग की इतनी जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, डिजीज फ्री है, मतलब बहुत कम डिजीज होती है इनकी और बहुत कम। दूसरा, इनको टेम्परेचर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ की ब्रीड है। ये जो पुराना पंजाब था ना, जो कहते हैं आप, जो आधा पाकिस्तान में चला गया और जो इधर अब अपने इंडिया में है और हरियाणा हिमाचल, तो यही वाला सीन जो था ना, यहाँ की ब्रीड है ये, तो अच्छी बात है कि यहाँ के टेम्परेचर में पहले से ही सेट है। और जो मैं इनको रेकमेंड करूँगा कि घर में मत रखना क्योंकि वहाँ ये रह नहीं पाएंगे, इनको बहुत खुली जगह चाहिए। और बहुत बढ़िया गार्ड हो गए ये, बहुत बढ़िया, रेकमेंड करूँगा जिनके पास फार्म हाउस है या जो गांव में रहते हैं या जिनके खेत अच्छे बड़े बड़े मतलब अच्छे बहुत बढ़िया लैंड है, तो वहाँ रखो इन्हें, बहुत बढ़िया गार्डनिंग के पर्पज़ के लिए है ये। चलो भाई, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार ये और दिखा देता हूँ कि कोई एग्रेशन नहीं है। ये देखो इस मदर के आगे से उठाऊंगा, पर अच्छी बात नहीं है, दूध पीते हुए उठा लिया मैं, इसे पीने देते पहले। पर ये अपनी मदर की कॉपी है भाई, बहुत प्यारा कलर है इसका। चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और कैसी लगी वीडियो, अगर ये वाली सीरीज अच्छी लग रही है, ये इंडियन ब्रीड आप कहोगे तो मैं और दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से 1 लाख करते हैं और फिर होम टूर की वीडियो भी आएगी। ओके, बाय बाय।